नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके पार्टनर की फीलिंग देखने वाली हूँ आपके लिए। उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके दिमाग में क्या है, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे करंट फीलिंग आप लोगों की चेक करके देने वाली हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी रीडिंग में टावर कार्ड आने वाला है, ठीक है, लेकिन देखते हैं जो भी आएगा निकल के मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। मुझे जो इंट्यूशन हो रही है आप लोगों की, वो हो रही है एक डिवाइन टावर कार्ड की। देखिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है आप लोगों को लेके। यहाँ पे आपका पार्टनर जो है बहुत हार्ड चक्र के साथ इस टाइम सोच रहा है, दिल के साथ आपके लिए सोच रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है उसको, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को आपकी तरफ बढ़ाना चाहता है, अपने आप को और आपके प्यार को एक ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहता है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये वाला कार्ड है वो ये कह रहा है कि डेविल कार्ड। डेविल एक बहुत पावरफुल कार्ड होता है लव रिलेशनशिप में, लव रीडिंग में, शादीशुदा में। शादी के लिए जब ये कार्ड आता है तो एक कार्मिक मैरिज कहलाती है वो, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना और एक दूसरे के बगैर जो है कुछ काम ना कर पाना और एक दूसरे के साथ रहना और कलेश रहना, कलह रहना। अगर इस साथ इस कार्ड के साथ कोई और कार्ड आता है तब डिटेल में बताया जाता है कि कार्ड के साथ कौन सा कार्ड आ रहा है। अब मुझे आपके कार्ड के साथ, डेविल कार्ड के साथ मिला है टेन ऑफ कप्स का कार्ड, तो सोने पे सुहागा, ठीक है। यानी कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है बहुत ज़्यादा। ये जो इसने जो टाइम आपके साथ बिताया है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम इसने आपके साथ जो है शारीरिक तौर पे, यानी कि आपकी बॉडी से ही इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, बॉडी से ही इसको जो है बहुत ज़्यादा प्यार था आपके। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये प्यार इतनी गहराई तक चला जाएगा। टेन ऑफ कप्स कार्ड यानी कि कप्स के जो कार्ड होते हैं वो प्यार को दर्शाते हैं। इसके हाथ में कप है और इधर भी आपको टेन ऑफ कप मिले हैं, क्योंकि ये शारीरिक बंधन जो था, ये कार्मिक बंधन तो था ही था आप लोगों का, ठीक है, शारीरिक तौर से मिलना लिखा ही था आप लोगों का, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना प्यार, इतना ये हार्ट चक्रा से जुड़ जाएगा इस रिलेशनशिप के बाद कि टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि आपके बगैर कहीं दिल ना लगना, आपके बगैर कहीं सोचना भी नहीं, आपके बगैर कहीं जाता है तो खाली लगना। अगर ये आपसे मिलता है, आपके घर में आता है, तो वही इसको अपना परिवार लगता है, वही इसको अपना घर लगता है, वही इसकी जो है दुनिया है। ऐसा ये इंसान जो है अपने दिल में फीलिंग आपके लिए रखता है, और ये जो दिल की फीलिंग है ये किसी और से कह नहीं सकता, क्योंकि कोई और इसकी सुनेगा नहीं। काला है यहाँ पे, अंधेरा है बिल्कुल, कोई नहीं सुनने वाला। टेन ऑफ पेंटिकल, आपसे ही इसकी कुछियाँ हैं, आपकी इससे हैं और इसकी आपसे हैं। घर में बहुत ज़्यादा बरकत, आप सोचते हो ये इंसान आया है तो मेरी ज़िंदगी में अवर्डेंस आई है, तो मेरी ज़िंदगी में पैसा आया है, तो मेरी ज़िंदगी में प्यार आया है, तो मुझे एक सच्चा रिश्ता मिला है, कोई मुझे प्यार करने वाला मिला है, किसी के कोई ऐसा मिला है जिससे मेरे घर में प्यार भी आया है, खुशी भी आई है, पैसा भी आया है, मेरा नाम फेम भी बढ़ा है, ये इंसान ये सोच रहा है। और आपकी भी यही फीलिंग है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेन ऑफ सो, ये जो वेंस की एनर्जी है ये अभी करंट में चल रही है, ठीक है। काफ़ी दिन पहले जो है, अभी पीछे चले जाओ दस, कुछ लोगों के लिए 10 महीने पीछे चले जाओ, कुछ लोगों के लिए हफ्ता पीछे चले जाओ, 10-15 दिन पीछे चले जाओ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन वाली एनर्जी थी आप लोगों की, लेकिन करंट में ये वाली चल रही है जो मैं चेक करके दे रही हूँ। और बिल्कुल अभी कनेक्शन एनर्जी जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल अभी की या 2-4 दिन पहले की, तो यहाँ पे आपका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपसे मिलने की कोशिश उसने की थी, कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश की थी। ये इंसान आपके बारे में किसी और से भी बात करने के लिए यहाँ पे सोच रहा है, एक नई बिगनिंग चाहता है। 0 पॉइंट की एनर्जी है यहाँ पे, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेविल कार्ड, तो डेविल कार्ड ये बता रहा है कि 12:30 बजे तक जो है बहुत पॉजिटिव जो है इसका एक्शन होगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और टेन ऑफ कप्स को जो हम क्लियरिफाई करेंगे, वेरी गुड विल ऑफ फॉर्चून, आज आपने कुछ अच्छा किया है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे कर्म किए हैं, कर्मों का फल आप लोगों को मिल रहा है, कर्मों का फल आपके पार्टनर को और आपको मिल रहा है। ये रिलेशनशिप जो है
आप इससे दूर भाग के भी भाग नहीं सकते। बहुत बार आप दोनों ने मूव ऑन करने की कोशिश की, छोड़ने की कोशिश की, किसी और के साथ रहने की कोशिश की। कहीं पे भी आप गए तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक अंधेरा ही दिखाई दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। आपने सोचा अपनी ग्रोथ के साथ रह लेंगे, अपने करियर के साथ रह लेंगे, अपनी खुशी के साथ रह लेंगे, पैसों के साथ रह लेंगे, पर क्या करें, ये रिलेशनशिप कहीं जाओ तो ये दिमाग से निकलता ही नहीं है। दैट डेविल, डेविल एक ऐसा कार्ड है जो कि दिमाग में इस इंसान का भूत सवार रहता ही रहता है। जिस तरह से आपके रहता है उसी तरह से इस इंसान के अंदर भी रहता है। मैं पक्का यहाँ पे कह सकती हूँ एक नई एनर्जी, यहाँ पे सन का कार्ड तो नहीं है, ये मून है। यहाँ पे एक चांद है, चांद की जो रोशनी होती है वो चांद क्या करता है, सूरज से अपने लिए लाइट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे नई बिगनिंग होएगी ही होएगी। सूर्य जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। इस इंसान का कभी भी मन आपके लिए बदल सकता है, कभी भी एकदम पलट सकता है। जीरो की एनर्जी है। अगर अभी करंट में ऐसा हो रहा है, जैसे मैं 12:30 बजे तक की एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दिसंबर में जाके होगा ये। ठीक है, एक दिसंबर की एनर्जी है यहाँ पे। 26 दिसंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ हो सकता है 26 तारीख को, कोई बहुत स्पेशल डेट हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वाली एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है। दिसंबर में काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सितंबर अच्छा रह सकता है, 15 सितंबर। ये डेट कोई मैं हवा में नहीं बोल रही, इनको चैनलिंग है, बहुत अलग से होती है चैनलिंग। ये लिख लेना आप लोगों का पार्टनर के जीवन में अभी क्या चल रहा है। उसकी करंट फीलिंग तो मैंने आपको बताई है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। हेरोफेंट कार्ड, उसके जीवन में आपका जो पार्टनर है, उसके जीवन में आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उसके जीवन में अभी क्या चल रहा है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में अभी इसी वक्त क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपका पार्टनर जो है किसी औरत के कंट्रोल में था, तो वो जो औरत है जो आपके पार्टनर के कंट्रोल, आपके पार्टनर को उसने कंट्रोल किया हुआ था, तो वो जो है उसके कंट्रोल एनर्जी से जो है अपने आप को आज़ाद कर रहा है। पहली एनर्जी तो ये है। दूसरी एनर्जी ये है कि वो आपके लिए कंटिन्यू सोच रहा है, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, या किसी को गाइड करता हो, उसका खुद का नाम फेम हो सकता है। हेरोफेंट कार्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैं कहती हूँ आप लोगों को। लेकिन सात का कार्ड क्या कह रहा है, ये सात का कार्ड आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इस इंसान को रहना है आपके साथ, और ये इंसान ने आपको छोड़ दिया अकेला। सिंगल मदर है यहाँ पे, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो हो सकती हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार वाली एनर्जी है। ठीक है, लव करना, प्यार करना, पेड़ के साथ, पौधों के साथ, छोटे छोटे जीव जंतुओं से प्यार करना, ये वाली एनर्जी है। चाहे कुछ पास नहीं है फिर भी देने के लिए हमेशा अपने हार्ट को ओपन रखना, ये वाली ऊर्जा जो है क्वीन ऑफ वैंस की है। तो किसी ने इसको बहुत ज़्यादा अपने उसमें कब्जे में किया हुआ था, जादू करवा के किया था, या कुंडली वगैरह दिखाई और शांत किया था इस इंसान को। तो ये वाली ऊर्जा तो देखो यहाँ पे ज़्यादा देर चलती नहीं है। जैसे मैं आप लोग, मेरे पास बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन आती हैं, वो बोलती हैं कि दीदी अगर मैं बोलती हूँ देखो स्पेल करवाना हो कुछ भी, तो कहती हैं मुझसे, पहले तो मैं ही आपसे कहती हूँ इस बात को कि स्पेल करवा के किसी को बश में किया तो क्या किया। ठीक है ना, इसके जीवन में क्या चल रहा है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में अभी करंट में क्या चल रहा है। उसके जीवन में देखिए वो जो है कुछ कराना है, कुछ फंक्शन है, या कुछ घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, ये सब कुछ हो रहा है करंट में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बर्डन है इस खुशी में। वो खुशी नहीं है उसको, उसके जीवन में चल रहा है, इस घर में खुशी नहीं है, कोई पैसों की आय है, वो पैसों की आय से खुशी नहीं है। बिल्कुल एक बदलाव आ रहा है जीवन में, और इस खुशी में जो है
इस खुशी को वो इंजॉय नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स कार्ड है, इस खुशी को वो इंजॉय नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है क्वीन ऑफ कप्स के पास, सिक्स ऑफ वैंस, टेन ऑफ वैंस, यानी कि ये इंसान इस क्वीन के पास जाना चाहता है, क्वीन ऑफ कप्स के पास जाना चाहता है, यानी कि आपके पास। और ये विजय जब हो गया है अपने जीवन में तो इसे आप चाहिए, अब आप इसे जो है मिल नहीं रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की वजह से इसे आप मिल नहीं रहे हो, तो इसके दिलो दिमाग पे जो है एक बर्डन छाया हुआ है घर वालों का, कि घर वालों को तो जो चाहिए वो मिल गया, लेकिन इसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसकी शांति जो है आपके साथ है। तो ये जो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, इंजॉय वगैरह करना, ये सब कुछ करना इसे पसंद नहीं आ रहा है इस टाइम। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को भगवान को सरेंडर करते हुए, और ये चाह रहा है कि अपने जो इसने पाप किए हैं, इसको पाप भी सोच रहा है, इससे ये भी लग रहा है कि इससे बुरे कर्म हुए हैं, ऐसा ये सोच रहा है। और इसने बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम ये लड़ाई झगड़े करना या किसी से बात करना ये सब कुछ छोड़ रहा है, फालतू की तू मैं करना ये छोड़ रहा है, हर किसी के साथ जुड़ जाना, हर किसी के साथ बात करना, ये वाली फ्लर्ट करना, इधर उधर घूमना, नए नए रिश्ते बनाना, ये सब छोड़ रहा है, इसको किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेथ कार्ड के साथ यहाँ पे आया है फाइव ऑफ वैंस कार्ड, हमेशा के लिए लड़ाई ख़त्म करना दूसरों से, इस कार्मिक के चुंगल से आज़ाद होना, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। और अभी मैं देख लेती हूँ कि जो ये जो कार्ड आया है आपके पास, ये जो कार्ड रखा है इसका क्या मतलब है, अभी ये क्या चैनलिंग दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके पर्सनल जीवन में यही चल रहा है, पर्सनल जीवन में ये ऐसा, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में ये ऐसा कर रहा हो कि जो है कार्मिक कुछ कह रही है, घर वाले कुछ कह रहे हैं या कुछ भी कह रहा है, उनके बीच में एक बैलेंस बना के चल रहा हो, बराबर नाप तोल कर रहा हो, ठीक है। जो तुमने कह दिया ठीक है, लड़ाई ना कर रहा हो, अपने आप को देखिए, ठीक है, ये पड़ा है जो कुछ हो रहा है, ठीक है, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, इससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बस इसकी एक ऊर्जा रहती है कि मुझे कहीं जाना है तो जाना है, वही आ गया ना बात, मुझे जाना है तो डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है, ये तो मुझे मैं पक्का कह सकती हूँ। यहाँ पे जब मेरे मुंह में ये बात आई कि मुझे कहीं जाना है, तो ये नीचे यहाँ पे कार्ड था, इसमें आपकी एनर्जी है, इसको सिर्फ आपके पास आना है, और ये कुछ ही समय लगेगा, ज़्यादा देर तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ये सब सॉर्ड कार्ड, ठीक है, ये काम करना शुरू करेगा इस रिश्ते में, इस तरह की इसकी एनर्जी है, जिसके साथ भी मैच करता है इसको ले लेना, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम कर सकते हो अगर आपके साथ आ रही है, लाइक कर सकते हो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपके साथ रीडिंग मैच हो रही है, रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से रीडिंग की जो है वो प्राइस जान सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं, आप जैसा भी आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग सेशन ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, रेकी ले सकते हैं। क्रिस्टल के बारे में किसी ने पूछा था कि रूट चक्रा के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना है, अभी मैं ये मुझे याद आ गया तो मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए। रूट चक्रा के लिए एक क्रिस्टल जो रेड कलर का क्रिस्टल होता है, वैसे तो आप सेवन चक्रा भी पहन सकते हो, और रेड जेस्पर का जो होता है ना एक क्रिस्टल आता है, ब्रेसलेट आता है, वो पहन सकते हो, उसको चार्ज करके पहन सकते हो, ठीक है, उसको पहन सकते हो चार्ज करके। एक नमक की प्लेट ले लो कांच की, अगर आपके पास सेलोलाइट नहीं है तो एक नमक रख लो एक कांच की प्लेट में, और उसके ऊपर जो है जो हाँ आपके हाथ में जो क्रिस्टल है जो आप पहनना चाहते हो उसको रख लो, और उसको मून में रख दो रख के, ठीक है, क्योंकि आप हीलर तो नहीं है, आप रेकी तो नहीं करते, तो सिर्फ आप ऐसे चार्ज कर लो। अगर आप हीलर से चार्ज करवाते हैं, मुझसे भी चार्ज करवा सकते हैं आप, ठीक है, रेकी के द्वारा, मैं रेकी करती हूँ, तो जो लोग करते हैं उनके हाथों में जो है स्थापित हो जाती है जो रेकी सिंबल जो होते हैं वो, जो अगर थोड़ा सा भी ड्रॉ कर देंगे तो वो उनके हाथों में जो है स्थापित हो जाती है। कि अगर मैं किसी छोटे बच्चों को रेकी देती हूँ तो वो उसमें तुरंत आराम आता है, ठीक है, अगर किसी को रेकी जरा सी देर के लिए भी चाहिए होती है, मैं थोड़ा सा भी करती हूँ तो उनको तुरंत आराम आता है। इसमें मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये ऐसा होता है जो हीलर होते हैं जो रेकी करते रहते हैं, हल्का सा भी जो है अपने आँखों के सामने सिंबल को जो है देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो उनके हाथों में फटाक से एक एनर्जी आती है जो कि एक गर्म ऊर्जा निकलती है हाथ में से, ठीक है।
तो मैं इस तरह के वो जो है रेड जेस्पर नाम है उस क्रिस्टल का, तो पहन लेना आप जो भी पहनना चाहते हैं। किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया, और भी कुछ पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पूछना। पूछोगे आप, मैं बताऊंगी आप लोगों को और मुझे क्या चाहिए, यही तो चाहिए। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आ रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको रीडिंग मिलती है वो बहुत ही अलग चैनलिंग होती है, कहीं से उठा के नहीं ली होती, इतना टाइम नहीं होता कि किसी का वीडियो देखो या कुछ करो, कुछ नहीं करना, घर का काम करना और आपके लिए चैनलिंग करना, मेडिटेशन करना। अगर आप भी करना चाहते हो मेरे साथ मेडिटेशन तो कर सकते हो। मेडिटेशन एक बहुत बोर होता है, मेडिटेशन करना कोई करना नहीं चाहता। अगर कर लिया जाए तो ज़िंदगी में टैरो कार्ड देखने की या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारा दिमाग हमें अपने आप जो एक रास्ता दिखाने लग जाता है, वो मेडिटेशन के द्वारा ही होता है। मेडिटेशन कौन देगा, कैसे होगा, कोई नहीं देगा, आप खुद करोगे, अपने अंदर से करोगे। मेडिटेशन आपको ही करना पड़ेगा। बस एक ये है कि आपको जाप क्या करना है, ओम कर रहे हो, हरिओम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ध्यान में कैसे जा रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, भगवान आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मैं टैरो कार्ड तो जो मैंने छोड़ ही दिए थे, भगवान आपको कह रहे हैं खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, अपनी पावर को पहचानो, अपनी पावर मत खो दूसरों के कहने पे। छोटे छोटे लोग आपके जो है पीछे पड़े ही रहेंगे और आप अपनी पावर को कभी पहचान नहीं पाओगे। ये इतना पावरफुल मून है जो कि इनके बहका इनके भौंकने की वजह से ये जो है अपनी पावर को भूल गया है, और इस पावर को फैलाने के लिए इन लोगों की ज़रूरत ना है। अपनी आंखों को खोलो और देखो अपनी शक्ति को कि कितनी पावरफुल हो तुम। ठीक है भैया, मेरे को तो यही बोलना है आप लोगों से, ठीक है, अपने अंदर जाओ। वो ध्यान जो तुम बाहर ढूंढ रही हो इसको अपने अंदर घटित करो। इस लाइट को बाहर ढूंढने की जगह अपने अंदर ढूंढो, इस लाइट को, इस वेंस, इस ऊर्जा को जो तुमने हाथ में पकड़ी हुई है इसे अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ज्ञान है, तुम अपने अंदर जा सकती हो। ठीक है, और ये भगवान तुम्हें वो सारा कुछ दे रहे हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें चाहिए ये इंसान, बार बार इसी इंसान की रीडिंग निकल के आती है। तो ये इंसान जब आप अपने आप को पहचान लोगे, टाइम लगने वाला है, जुड़े रहिए मेरे साथ, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे। मैं आपको ये करंट में तो मैं आपको बता ही देती हूँ, भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा है। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।